हाँ हाय फ्रेंड, हम लोग आज चिकन की सब्ज़ी बनाने वाले हैं। जो अपने घर का चिकन है, देसी मुर्गा का चिकन है, और आप लोग देख सकते हैं पहले हम लोग चिकन को मैरिनेट के लिए रख दिए हैं, और साथ ही में अब प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट और पिसा हुआ मिर्च घर का। हाँ दोस्तों, भी हम लोग पहले आलू तल लेते हैं। आलू को तलने के बाद हम लोग इसको निकाल लेंगे। आलू को ज़्यादा नहीं तलना है, क्योंकि ज़्यादा तलने से ना आलू फिर ज़्यादा पक जाता है और सब्जी में वो गल जाता है, फिर आपको उतना टेस्ट नहीं आएगा फिर खाने में, तब ध्यान में रखेंगे आप लोग। अभी आप लोग देख सकते हैं तेल डाल दिए हैं, अभी इसमें तेज़ पत्ता डाल दिए हम लोग, और इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए भुनेंगे। और इसमें हम लोग अभी जीरा डालेंगे, अभी जीरा डाल दिए हम लोग, अब इसको थोड़ा देर के लिए हम लोग भूनेंगे। जो आप लोग दोस्तों, आप लोग याद रखना हमेशा, जब भी हम लोग चिकन बनाते हैं तब हम लोगों को जो जीरा और जो तेज़पत्ता है उसको थोड़ा देर के लिए भूनना पड़ता है, उसमें थोड़ा कलर आना चाहिए, तभी उसका फ्लेवर आपके चिकन में आएगा, नहीं तो वो नहीं आएगा। इतना ध्यान में रखिए आप लोग। अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग घर में ही अपने गाँव में वहीं पर हम लोग खाना बना रहे हैं। वो क्या है, वो देसी चिकन और क्या देसी स्टाइल से बना रहे हैं हम लोग। अभी इसमें हम लोग प्याज डाल दें, प्याज दोस्तों ज़्यादा नहीं डालना है, प्याज हम लोगों को 1 से 1.5 डालना है, क्योंकि 1 किलो चिकन उसके हिसाब से 1 प्याज काफ़ी होता है, क्योंकि ज़्यादा प्याज डालने से सब्ज़ी में आपका मिठास आ जाएगा, ताकि क्या है वो सब्ज़ी फिर आपको मीठा मीठा टाइप से लगेगा, इससे आपको टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए आपको प्याज थोड़ा कम डालना। अभी हम लोग इसमें टमाटर डाल दें, 1 टमाटर डालें हम लोग। अभी हम लोग टमाटर को भून लेंगे थोड़ा टाइम के लिए। और दोस्तों, तो जब तक मसाला भून रहे हैं तब तक आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हाँ दोस्तों, देख लीजिए, ये लगभग प्याज जो है भुनना हो चुका है और टमाटर भी लगभग भुनना हो चुका है। और दोस्तों, लोग देख सकते हैं जो अपना घर का चूल्हा है, इसमें कितना अच्छा आग पकड़ा है और इससे क्या खाना अच्छा बनता है। और हम लोग इसमें अभी अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिए हैं, अभी इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए भूनना है। अभी हम लोग को इसको जो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, जो ये मसाला है ना, मसाले को हम लोग तब तक भूनना है जब तक मसाला अपना तेल ना छोड़ दे, क्योंकि जब तक मसाला तेल नहीं छोड़ेगा तब तक मसाला पर कच्चा रहेगा, इसलिए जब तक तेल ना निकले मसाले से तब तक आप लोग मसाले को भूनते रहिए। आप लोग देख सकते हैं हम लोग अभी ये मसाले को भून रहे हैं, और ये मसाला है लगभग जो 5 से 10 मिनट तक भुनना है, क्योंकि ये वो घर का चूल्हे में बन रहे हैं वो, और इससे क्या है आग अच्छा पकड़ता है, इससे क्या है मसाला जल्दी भुनना हो जाता है उसके हिसाब से। ये देख सकते हैं आप लोग, जो मसाला है लगभग पक चुका है। अब इसमें हम लोग इसमें मिर्ची डाल रहे हैं दोस्तों, जो मिर्ची है घर का मिर्ची है, और हम लोग घर में इसको पीसते हैं मिर्ची को, कि जो घर का जो मिर्ची होता है ना, इससे पर कलर के साथ साथ जो टेस्ट है वो भी अच्छा आता है। अभी दोस्तों भी देख सकते हैं लगभग जो है अपना जो मसाला है वो तैयार होने वाला है अभी। और दोस्तों, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग को ये जो देसी स्टाइल से जो बन रहा चिकन, आप लोग को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। और ये लगभग भुनना हो चुका है मसाला, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ये हल्का हल्का तेल छोड़ना चालू कर दिए हैं। और ये देख देख लीजिए, आपका अपना जो मसाला है भुनना हो चुका है। अभी हम लोग इसमें अपना चिकन को डाल देंगे। हम लोग क्या, जो चिकन को पहले 15 से 20 मिनट के लिए उसको मैरिनेट के लिए रख दिए थे, अब आप लोग देख सकते हैं अभी जो मसाला भुनना हो चुका है, अभी इसमें चिकन डाल रहे हैं। 1 किलो के आसपास चिकन है अपना, घर का देसी मुर्गा है, और हम लोग इसको देसी स्टाइल से बना रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग कुछ ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली मसाला जो अपने घर में हमेशा मिल जाता है वही सब मसाले का यूज कर रहे हैं हम लोग। और इससे क्या है, जो आपको खाने में टेस्ट भी अच्छा आएगा और इससे आप लोगों को बनाने में बहुत आसानी होगा। तो हम लोग क्या, अभी चिकन को थोड़ा मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे, फिर हम लोग इसको ढक देंगे, और इसको लगभग हम लोग को 4 से 5 मिनट के ढक देंगे। उसके बाद इसको फिर निकाल के फिर उसको थोड़ा देर के लिए हिलाना है हम लोगों को।
और इसको क्या है दोस्तों, बीच बीच में ना इसको हिलाते रहना है, नहीं तो ये अपन नीचे चिपक जाएगा। ये आप लोग क्या देखते हैं, अभी हम लोग इसको ढक देंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं, अभी हम लोग फिर इसको निकाल लिए हैं ढक्कन को। अभी हम लोग फिर इसको थोड़ी देर के लिए हिलाएंगे। इससे क्या, थोड़ा ढक ढक के पकाने से ना जो मसाले हैं वो चिकन कलर अच्छे से मिल जाता है। और क्या, जो देसी मुर्गा होता है तो हार्ड रहता है, आप लोगों को पता है। इससे क्या है, ढक ढक के पकाने से ना ये जल्दी पक जाएगा आपका, ये याद रखिएगा। अभी देख सकते हो, उसको अच्छे से हिलाना है ताकि नीचे आपका मसाला जो है चिपक ना जाए, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। अभी हम लोग फिर इसको ढक्कन को ढक के फिर इसको निकाल दिए हम लोग। आप देख सकते हैं इसमें भी जो मसाला है अपना तेल छोड़ दिया है, चिकन भी अपना तेल छोड़ दिया है। ये क्या है, लगभग ये भुनना हो चुका है। अब इसको थोड़ी देर की और भुनना है, फिर हम लोग इसमें पानी डाल देंगे और फिर उसमें हम लोग आलू डालेंगे। और आप लोग यार देखेंगे कि चिकन डालने के बाद हम लोग कम से कम 10 से 15 मिनट तक हम लोगों को भुनना है चिकन, और लगभग 5-5 मिनट की हम लोग को ढक के रखना है और फिर इसको निकाल के फिर थोड़ी देर के लिए। अब देख सकते हैं फिर हम लोग ढक दिए इसको, फिर इसको 5 मिनट के लिए रखना है, फिर हम लोग उसको निकाल लिए हैं। आप लोग देख सकते हैं जो चिकन है लगभग पक चुका है। हम लोग थोड़ा सा टेस्ट करेंगे कि चिकन पका है कि नहीं पका है, कि कैसा है। हम लोग टेस्ट किए हैं तो चिकन लगभग पक चुका है। हम इसमें पानी डाल देंगे अभी, जैसे 1 किलो चिकन है तो हम लोग इसमें लगभग 2 गिलास पानी डालेंगे। इसको थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालना पड़ता है क्योंकि ये जो चिकन है थोड़ा हार्ड रहता है। और क्या, हम लोग इसमें जो चिकन है इसमें ग्रेवी जो है और थोड़ा सा कमी बनता है इसमें ग्रेवी। ये क्या, थोड़ा पतला तरी टाइप से रहता है, इससे क्या आपको खाने में भी टेस्ट ज़्यादा आता है। अब इसमें आलू डाल देंगे अभी हम लोग। अब लोग देख सकते हो दोस्तों, जो हम लोग आलू पहले तल के रखे थे, अभी हम लोग वो आलू को डाल रहे हैं। आलू को क्या, हम लोग थोड़ा सा बड़ा बड़ा साइज में काटे हैं ताकि इसको खाने में भी अच्छा लगे, इसीलिए। आप लोग देख सकते हैं जो पानी की मात्रा है हम लोग वो ज़्यादा थोड़ा डाले हैं ताकि जो आलू अभी डाले हैं, आलू और चिकन अच्छे से पक जाए। अभी हम लोग इसको के भी ज़रूरत है, हम लोग की इसमें आँच बहुत होना चाहिए चूल्हे में, क्योंकि तभी जितना आँच आएगा उतना ही ये डबकेगा और उतना ही जल्दी पकेगा। और क्या, जितना अच्छे से डबकेगा सब्जी उतना ही टेस्ट बनेगा सब्जी, ये ध्यान रखिए, क्योंकि धीमी आँच में कभी मत बनाइएगा। पानी डालने के बाद आँच हमेशा ज़्यादा होना चाहिए ताकि जो अपना फ्लेवर हो अच्छे से आए। अभी आप लोग देख सकते हैं, हम लोग जो घर का जो देसी स्टाइल से चिकन बनाए उसे हम लोग देसी स्टाइल से इसमें हम लोग अभी मसाला भी डालेंगे। इसमें देख सकते हैं, इसमें हम लोग जीरा, फिर लौंग, फिर इलायची, फिर दालचीनी, ये सब हम लोग मिक्स करके फिर इसको पीस रहे हैं घर में, कि जो पीसा हुआ जो मसाला जो बनता है ना, सब फ्लेवर इतना लाजवाब, मतलब क्या बताएं आप लोगों को। आप लोग घर में ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा इसको। और दोस्तों, हम लोग क्या है, अभी आगे भी ऐसे ऐसे नया नया देसी स्टाइल से सब्ज़ी, चिकन, मटन, मछली, ये सब हम लोग बनाने वाले हैं। इसके लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोग को ऐसी नए नए वीडियो आप लोग को मिल जाए जल्दी से जल्दी। आप लोग देख सकते हैं घर में हम लोग इसको खुद ही पीस रहे हैं। अभी अपना मसाला जो है पीसना हो चुका है। अभी क्या, अपना जो चिकन है वो देख सकते हैं कितना अच्छे से कलर आ गया है इसमें, और मस्त डपक रहा है अपना सब्जी। अभी हम लोग जो मसाले हैं जो घर में हम लोग पीसे हैं उसको भी हम लोग मसाले को इसमें डाल देंगे, फिर हम लोग उसको उतार देंगे। अभी लगभग जो अपना चिकन है वो बन के तैयार हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कलर तो इतना, दोस्तों आप लोग क्या बताया, एकदम मस्त लाजवाब कलर आया है चिकन का, और चिकन मस्त पक भी चुका है। आप लोग देख सकते हैं जो ग्रेवी है, अभी जो पानी था वो कितना सूख चुका है, क्योंकि जो इसमें जो है ना, जो आलू अपना पानी सूखेगा, चिकन अपना पानी सूखेगा, इसलिए आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग इसमें अपना जो मसाला है उसको डालना, तो उठा ही नहीं मसाले को इतना याद रखेगा दोस्तों, मसाला डालने के बाद ना हम लोग को 1-2 मिनट के अंदर ही उसको उतार देना है, क्योंकि उससे ज़्यादा टाइम तक उसको फिर पकाने से ना जो उसका जो खुशबू रहता है मसाले का वो आपका कम हो जाएगा थोड़ा सा, इतना ध्यान में रखेंगे आप लोग। अभी आप लोग देख सकते हैं ना, थोड़ा सा उसको मिक्स कर लेंगे फिर उसको हम लोग नीचे उतार देंगे। अभी अभी अपना चिकन बन गया, आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग आज तो एकदम कम कर दिए हैं चूल्हे को, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। हम लोग अपने गांव के घर में ही हम लोग बना रहे हैं,
दे सिस्टर, अभी हम लोग चिकन को निकाला, आप लोग देखो कितना मस्त कलर आए हैं और मस्त ग्रेवी भी बनाए हैं। हाँ क्या है देखो, आप लोग पानी ज़्यादा डाले थे, इससे ये फ़ायदा होता है कि मस्त जो उसका ग्रेवी है ये मस्त बनता है आपका, और कम पानी से क्या है ग्रेवी के एकदम सूख जाएगा पानी, फिर क्या है आपको चिकन में भी उतना स्वाद नहीं आएगा। क्या है जो देसी चिकन होता है इसका जो तरी बनता है इसमें क्या बहुत ही टेस्ट आता है। ये देख लीजिए आप लोग दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन बना है अपना चिकन, मस्त कलर। और आलू लोग देखो, आलू जो हम लोग लास्ट में डाले इसलिए आलू एकदम देख सकते हो कुछ टूटा फूटा नहीं है, आलू एकदम सिगो दिख रहा है। अभी अपना जो चिकन है बनकर तैयार है, अभी इसको हम लोग, और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि अपना चिकन जो लगभग पक के तैयार हो चुका है। अभी हम लोग इसमें जो हम लोग मसाला पीसे हैं अभी उसको हम लोग इसमें डाल देंगे, और डालने के बाद हम लोग अभी फिर इसको चूल्हे से उतार देंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा इसको और डबका लेते हैं ताकि जो जो चिकन है वो अच्छे से पक जाए। अब हम लोग देख सकते हैं कि जो चिकन है वो हम लोग का लगभग पक चुका है। अभी हम लोग ट्राई करके भी देख रहे हैं कि वह चिकन जो है अपना है वो पक चुका है। अभी हम लोग मसाला डाल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग मसाला डाल दिए हैं, क्योंकि जो है मसाला जो डालने के बाद हम लोग उसको ज़्यादा टाइम नहीं पकाना है, तो उससे क्या है जो मसाले का जो जो फ्लेवर जो खुशबू है वो क्या कम हो जाएगा। इससे कि हम लोग को जब अब देख सकते हैं कि हम लोग उसमें मसाला डाल दिए हैं, अभी थोड़ा देर उसको हिलाना है और फिर हम लोग उसको अभी उतारने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं ये लगभग पक चुका है और बन चुका है चिकन हम लोगों का। अभी हम लोग चिकन को भी नीचे उतार देंगे, अब देख लो कि जो चिकन है कितना मस्त बना है, मस्त ग्रेवी के साथ जो बना है चिकन अपना। ये जो चिकन है ये खाने में इतना टेस्ट बनता है ना, आप लोग एक बार घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है चिकन। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं हम लोग को ज़्यादा मसाले का यूज किए नहीं है, नॉर्मल मसाला यूज किए हैं ताकि ये जो घर में लोग हैं आसानी से बना सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये जो चिकन हम लोग को बनकर तैयार हो, कितना अच्छा कलर है इसका, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही शानदार कलर आया है चिकन का, और मस्त ग्रेवी और खुशबू तो इतना अच्छा आ रहा है कि आप लोग सोच नहीं सकते।